So hello everyone and welcome back to my YouTube channel and welcome back to our new vlog. So thumbnail और title देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है. So आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो मेरी बाइक है उसकी जो स्टॉक टेल है उसको कैसे मॉडिफाई किया है इन जस्ट 100 rupees. So वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, हर एक मेजरमेंट सही से बताऊंगा. So वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा. So प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखो. ऑल राइट गाइज, सो कुछ इस तरह से दिखती है मेरी बाइक. सो यहाँ से मैंने कट किया है और एक स्ट्रिप लेके यहाँ पे फिट किया है मैंने. यहाँ पे इंडिकेटर के लिए होल भी किया है. सो अभी मैं आपको ये नंबर प्लेट ओपन करके दिखाता हूँ कि वो स्ट्रिप कैसी दिखती है. ऑलराइट गाइस, सो नंबर प्लेट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से ये स्ट्रिप दिखाई देती है. सो एक बार मैं आपको मेजरमेंट दिखा देता हूँ इन स्ट्रिप का. सो यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो है 21 सेंटीमीटर और जो इंडिकेटर मैंने फिट किए हैं उसका डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर और जो यहाँ पे मैंने 2 होल ड्रिल किए सो यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो है 8 सेंटीमीटर और इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो है 6 सेंटीमीटर. सो इसका जो टोटल मेजरमेंट है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको और भी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा. सो इसकी ओरिजिनल टेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ. सो इसकी स्टॉक टेल कुछ इस तरह से दिखती है और मैंने यहाँ से कट किया है टेल को, आप देख सकते हैं यहाँ से ये कटेड है. सो ये पहले यहाँ पर ऐसी फिट आती थी. सो ये टेल मुझे बहुत ही बल्की दिखती थी क्योंकि ये बहुत नीचे आती थी. सो इसलिए मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया है. सो अभी लुक अच्छा आता है, मैं आपको नंबर प्लेट फिट करके भी दिखाता हूँ कि लुक इसका कैसा आता है. सो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आता है. सो ये टेल मुझे बेटर लगती है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता, वो बल्की बल्की सा पार्ट. सो ये नीट एंड क्लीन लुक आता है इससे. सो आप देख सकते हैं. सो ऐसी और मॉडिफिकेशन मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ और अगर आपने ये स्टिकर मॉडिफिकेशन नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में वीडियो आ रही होगी तो चेकआउट कर लो. ऑल राइट गाइज, सो जैसा कि आपने वीडियो में देखा मैंने मेरी बाइक की स्टॉक टेल को कैसे मॉडिफाई किया. सो होप करता हूँ आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा और आज की इस वीडियो हमने सजेस्ट किया है ओमकार भाई ने. सो थैंक यू सो मच ओमकार भाई मुझे ये वीडियो सजेस्ट करने के लिए. और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम वीडियो में मेंशन करूं सो मुझे सजेस्ट करो कि मैं अपनी बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन करूं, वो मॉडिफिकेशन मैं ज़रूर करूँगा. सो ठीक है गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब. तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में. बाय.